Hello everyone, this is Rupesh Kumar and welcome you all in this STEM Academy. So today we will start the one more topic, or not more topic, we will start the second lecture that we will discuss some more question on statistical mechanics. And आपको जैसा कि पता होगा हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट विद प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट विद प्रॉब्लम एक सीरीज है, इसमें हम लोग आने वाले एग्जाम यानी कि आईटी एग्जाम 2021 और जीएस 2021 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। और इस पे आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर के जेएम और प्रीवियस ईयर के जीएसटी के पेपर हम सॉल्व करेंगे, साथ ही उस पे जो भी कंसेप्ट इन्वॉल्व है उसको सॉल्व करेंगे। और जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तकरीबन नॉन एन एवरेज 4 से 6 नंबर जेएम में और लगभग 6 से 12 नंबर ऑन एवरेज जेएम में जेस्ट में पूछा जाता है हर साल। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं और इनसे जो भी कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको बहुत ही इजीली वे में, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, सिलेबस बहुत वास्ट है, सिलेबस ऑफकोर्स वास्ट है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो एरिया बहुत लिमिटेड है जेस्ट और जेएम में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। दैट्स वाई हमने सबसे पहले इस टॉपिक को कवर किया, क्योंकि लोग सेमेस्टर 6 में 3rd ईयर में सिलेबस में होता है तो लोग एग्जाम से पहले कंप्लीट नहीं होने के कारण छोड़ देते हैं और बहुत ही आसान इससे क्वेश्चन आता है। तो आज हम लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप मेरे चैनल जैम एकेडमी पे जाके उसको देख सकते हैं। और लेक्चर 2 ये सेकेंड लेक्चर है और इसके बाद कंटिन्यू 3rd 4 रोज एक एक लेक्चर आएंगे और ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और अब आपके साथ ये लेक्चर सीरीज हमारा चलता रहेगा। सो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल जैम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने की सलाह दें। मेरा नाम रुपेश कुमार है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, और आज पुणे में इंटीग्रेटेड पीएचडी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और आईटी कानपुर में भी मेरी सिलेक्शन हुई थी और मैं अभी जस्ट करंटली बीएससी पास करके इंटीग्रेटेड पीएचडी फर्स्ट ईयर में हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हमारा ये लेक्चर सीरीज पसंद आएगा और आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा हमें, क्योंकि वही मोटिवेशन है हमारे वीडियो बनाने के लिए। सो फटाफट सब्सक्राइब कर दें, चलिए स्टार्ट करते हैं समय को ना वेस्ट करते हुए। कल हम लोग लेक्चर यानी कि लेक्चर 1 पे हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था जहां पे हमने रुका था, यानी कि 2017, ठीक है, 2017 पे एक क्वेश्चन रह गया था, जैम 2017 का एक क्वेश्चन रह गया था जिसको सॉल्व कर लेंगे, एंड देन 16 एंड देन सो ऑन। सो 2017 का एक क्वेश्चन रह गया था, मैं यहां पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूं, मैं सिर्फ यहां पे कुछ पार्ट सॉल्व करने वाला हूं, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूं, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करने वाला हूं। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो जैम 2017 का है, जैम 2017 आईटी दिल्ली ने कंडक्ट किया था और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जैम 2017 का जो क्वेश्चन है वो आपका है कि कंसीडर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स ऑबेइंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ईच ऑफ व्हिच कैन हैव एनर्जी 0 और e। हमारे पास n पार्टिकल्स है, ठीक है, n टोटल पार्टिकल है और ये क्या ओबे कर रहे हैं, क्लासिकल पार्टिकल है ना, ये क्लासिकल पार्टिकल्स है, ठीक है, शॉर्ट में PCL लिखे हैं, ये हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल है, टोटल n है, ठीक है, और इनके पास दो ही एनर्जी लेवल मौजूद है, एक एनर्जी लेवल है 0 एनर्जी का और दूसरा एनर्जी लेवल है e एनर्जी का, क्लियर है। द सिस्टम इज इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद रिजर्वॉयर मेंटेन एट ए टेम्परेचर T, और ये जो सिस्टम है ये टी टेम्परेचर पे मेंटेन है, ठीक है, टी टेम्परेचर पे हमारा सिस्टम क्या है दोस्तों, मेंटेन है। फिर इस पे लिखा है लेट के डिनोट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टोटल एनर्जी क्यू एंड द हीट कैपेसिटी सी ऑफ द सिस्टम इज करेक्ट। दोस्तों हमें क्यू यानी कि टोटल एनर्जी निकालना है, ठीक है, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी क्यू निकालना है और द हीट कैपेसिटी सी ऑफ द सिस्टम यानी कि सी भी निकालना है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो ये हमारा U है और जो C भी है ये हम कैसे निकालते हैं, टोटल एनर्जी या फिर टोटल इंटरनल एनर्जी, दोनों का मतलब एक ही है, तो टोटल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद सी भी जो निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है कि अगर टोटल एनर्जी मिल जाए तो उसको अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें डी बाय डीटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम भी, तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले काम मेरा क्या है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी, टोटल एनर्जी बोल लीजिए या फिर टोटल इंटरनल एनर्जी बोल लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइडियल सिस्टम मानते हैं तो यहाँ पे किस तरह का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, जो भी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो टोटल एनर्जी को हम लोग निकाल लेंगे और उसको टी के रिस्पेक्ट में यानी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बाकी सबको कॉन्स्टेंट रखते हुए डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सी भी मिल जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहला काम क्या है मेरा, यू निकालना। दोस्तों टोटल एनर्जी यू क्या करेंगे हम लोग, पहले एक पार्टिकल के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे एक पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी यू निकाल लेंगे और फिर उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी क्यू मिल जाएगा, क्यू टोटल मिल जाएगा, ठीक है। सिंगल पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी निकालने के बाद उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सिस्टम पे अभी कितने पार्टिकल्स, टोटल एन पार्टिकल्स हैं, तो हमें पूरे सिस्टम के यानी एन पार्टिकल्स का एनर्जी मिल जाएगा। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग कैसे एनर्जी निकालते हैं, ये उसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो टोटल एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल, एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल इज गिवन बाय यू वन, है ना। यू वन का मतलब है कि एक पार्टिकल का हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, टोटल एनर्जी का। तो ये जो होता है दोस्तों होता है समस्या नंबर आई, ई आई ई टू दी पावर माइनस ई आई बाई के टी डिवाइडेड बाय, या फिर के टी की जगह हम लोग बीटा यूज कर लेते हैं, बीटा ई आई डिवाइडेड बाई समस्या नंबर आई ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई। दोस्तों ये सिंगल पार्टिकल की एनर्जी है क्लासिकल पार्टिकल के लिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला है ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल पार्टिकल के लिए। अगर आपके पास कभी क्लासिकल पार्टिकल हो और इस तरह से सिस्टम दिया हो, दो लेवल हो, तीन लेवल हो, चार लेवल हो, आई रेफर कर रहा है कि कितने एनर्जी लेवल है, जैसे यहाँ पे आई इक्वल टू वन और टू ही होगा क्योंकि एक और दो एनर्जी लेवल है, ये आई है मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल का, जैसे ये आई इक्वल टू क्या है वन है, ये आई इक्वल टू टू है, तो जैसे ये ई वन है, ये क्या है ई टू है ना, सॉरी ये ई वन है, ये E1 इक्वल टू जीरो है और ये सेकंड लेवल का एनर्जी E2 इक्वल टू E है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में EI जो वेरिएबल है उसका मतलब समझ रहे हैं, और आपको सब सभी लोग को मालूम होगा कि बीटा क्या होता है हमारा, पे 1 बाई के टी होता है, यहाँ पे K बॉल्टमेन कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, पूरा सिस्टम का दोस्तों T क्या है कांस्टेंट है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब भी क्लासिकल पार्टिकल आपको दिया है तो आपको ये इंटरनल एनर्जी का, सिंगल पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देना है, उसके बाद जितने एनर्जी लेवल होंगे आई उतना वेरी करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दो एनर्जी लेवल है तो समेशन है इसका मतलब जोड़ एड होगा, यानी कि फर्स्ट लेवल के लिए प्लस, सेकंड लेवल के लिए प्लस, थर्ड लेवल के लिए नीचे भी फर्स्ट लेवल के लिए प्लस, सेकंड प्लस, थर्ड, अभी दो लेवल है तो सिर्फ दो एक टर्म आएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऊपर में क्या टर्म आने वाला है, आई कहां से आरंभ करेगा, अभी का केस में वन से लेकर टू तक, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल, तो फर्स्ट लेवल की एनर्जी ई वन हो जाएगा, है ना, आई वन हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस बीटा ई आई की जगह पे वन प्लस, अब आई की जगह क्या होगा टू हो जाएगा, ए का पावर माइनस बीटा ई टू, ठीक है। आई फर्स्ट वन वन रखें और एक बार टू टू रखें, तो आप देख सकते हैं कि वन वन रखने से ये टर्म आएगा और टू टू रखने से ये टर्म आएगा, क्योंकि अभी दो ही एनर्जी लेवल है तो समेशन में दो ही टर्म आएंगे, ठीक है। नीचे उसी तरह से यहाँ पे तो ई का टर्म है नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ क्या है ई टू दी पावर माइनस बीटा ई वन प्लस ई टू दी पावर माइनस बीटा ई टू, क्योंकि यहाँ पे आई वन और टू, चूंकि यहाँ पे एक ही टर्म है तो एक ही टर्म का सम हो गया दो बार, चूंकि दो ही लेवल है, क्लियर है। अब हम ई वन क्या है दोस्तों, फर्स्ट एनर्जी लेवल का जो एनर्जी उसको ई वन माने तो वो जीरो है, और ई टू क्या है सेकंड एनर्जी लेवल का एनर्जी कैपिटल ई है, तो ई वन और ई टू की जगह पे रख देंगे हम जीरो और कैपिटल ई, ठीक है। तो देखिये उसको हम जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा दोस्तों, तो जीरो इंटू ई का पावर माइनस बीटा इंटू जीरो, ठीक है, प्लस ई टू कैपिटल ई है और ये ई का पावर माइनस बीटा और ये कैपिटल ई डिवाइडेड बाई ये ए का पावर माइनस बीटा इंटू जीरो प्लस ए का पावर माइनस बीटा इंटू ई टू क्या है कैपिटल ई है, ठीक है। ई वन और ई टू का वैल्यू रखिए, ये चूंकि जीरो है दोस्तों तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा टर्म जीरो होने वाला है। तो देखिए यहाँ से सिंगल पार्टिकल का एनर्जी ई वन कितना मिल गया, हमें मिल गया ई ई टू द पावर माइनस बीटा ई डिवाइडेड बाय ये ई का पावर माइनस, ये सीधा इसको डायरेक्ट वन लिख देते हैं, प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई। ये टर्म दोस्तों वन कैसे हो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई का पावर माइनस जीरो इज इक्वल टू वन बाई ई का पावर जीरो इज इक्वल टू वन बाई वन इज इक्वल टू वन, ई का पावर माइनस जीरो उसको लिख सकते हैं वन बाई का पावर प्लस जीरो, क्योंकि माइनस नीचे आएगा तो प्लस बन जाएगा, और किसी का भी पावर दोस्तों जीरो होने पे उसका वैल्यू वन होता है आपको याद होगा, तो वन बाई वन क्या हो गया वन हो गया। तो ये जो देख रहे हैं आप ये टर्म वन हो गया, आप सोच रहे हैं ऊपर में वन क्यों नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जीरो मल्टीप्लाइड भी था इस एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ दोस्तों, जीरो मल्टीप्लाइड भी था, तो जीरो मल्टीप्लाई था तो ये पूरा टर्म इसलिए जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं है इसलिए यहाँ पे वन दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल पार्टिकल की एनर्जी निकल गया, देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ एन पार्टिकल कितना होगा क्यू एन, सबस्क्रिप्ट एन है मतलब एन पार्टिकल की एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाय सिंगल पार्टिकल की एनर्जी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन है सिस्टम में भी,
और ये सिंगल पार्टिकल की एनर्जी U1, तो N इंटू U1, तो ये N और E1 आप देख सकते हैं, ये पूरा E1 का वैल्यू है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए, कैपिटल E टू द पावर माइनस, अब बीटा को भी आप ओपन कर लीजिए, तो बीटा का वैल्यू 1/KT होता है, तो ये E by KT हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस E टू द पावर माइनस बीटा का जगह पे E और बीटा की जगह 1/KT, सॉरी बीटा 1/KT हो रही है, मतलब ये जो बीटा देख रहे हैं इसका वैल्यू 1/KT होता है, तो उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं, तो ये पूरा सिस्टम का हमारा टोटल एनर्जी हो गया। दोस्तों कई बार एग्जाम में आपको ऑप्शन भी मैच करने वाला नहीं है, ऑप्शन भी मैच करने वाला नहीं है, इसको इक्वेशन 1 मान के रख लेते हैं, ऑप्शन भी क्या मैच करेगा देखिए ध्यान से, ये एन को रहने दीजिए आप, ठीक है, ये ई को भी आप रहने दीजिए, और ये जो एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर माइनस ई केटी है उसको नीचे ले आए, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ई बाई केटी और इसको डिवाइड कर दीजिए ई का पावर माइनस ई बाई केटी से, क्योंकि ये सबसे ऊपर था दोस्तों, तो इसको हम लोग सबसे नीचे ला सकते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म है इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, तो देखिए क्या बनेगा, एन ई यहाँ पे 1/दिस, तो 1/e^-e/kt और ये प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये सेम टर्म है आप देख पा रहे होंगे, तो इफेक्ट हो जाएगा +1, तो देखिए ऊपर में चाहे एन ई डिवाइडेड बाय ये अब ऊपर जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे e^-1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी e^+e/kt और ये +1, तो ये हमारा पूरा सिस्टम का एनर्जी निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम में आपका जो ऑप्शन है वो किस टर्म में है, अगर आपका ऑप्शन इस टर्म में है तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और अगर इस फॉर्म में है तो ये नहीं, दोनों सही है, लेकिन बस एक लिखने का तरीका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन का। अब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, अब अपने को इसी को यूज करके हम लोग सीवी निकाल लेंगे, ठीक है, तो आइए देखते हैं सीवी कैसे निकालेंगे हम लोग, पूरा सिस्टम का यानी कि एन पार्टिकल का इंटरनल एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी जो भी आपके हैं वो निकाल चुके हैं, तो देयरफॉर नाउ सीवी कितना होगा, सीवी हम आपको बताएं डो बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट वी, तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे डो बाई डो टी ऑफ, और ये ई टोटल सिस्टम का एनर्जी निकाल चुके हैं एन ई बाई ई टू द पावर ई बाई के टी और ये +1, ठीक है, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, पूरा एन ई तो कॉन्स्टेंट दोस्तों उसको बाहर ले लीजिए, ठीक है, और आपको मालूम है ये क्या बन गया, यहाँ पे टी का फंक्शन है और यहाँ +1 है, मतलब ये पूरा एक टर्म है, तो 1/x, ठीक है, इस पूरा को अगर x मान लीजिए, इस पूरा को अगर आप x मान लीजिए तो आपको मालूम होगा कि d/dx ऑफ 1/x कितना होता है दोस्तों -1/x² एंड देन d/dx ऑफ x, ठीक है, तो अभी देखिए पूरा n को बाहर ले चुके हैं, ये पूरा 1/x हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा -1/x², यानी कि -1/x² मतलब इस पूरा टर्म का t/ekt +1, ये जो पूरा टर्म है दोस्तों इसका होल स्क्वायर, एंड देन अगेन d/dt ऑफ दिस x, x इस पूरा को माने थे, यानी d/dt ऑफ x कितना है दोस्तों हमारा d/dt है 1/x dt, ठीक है, एंड +1, क्लियर है, समझ पा रहे हैं, इतना आपको डिफरेंशिएशन आई होप क्या आता होगा, एनी को रहने देते हैं, ये माइनस है तो माइनस एनी बन गया, और ये नीचे वाला टर्म इनटू द पावर e/kt +1 का होल स्क्वायर, ओके, एंड दिस d/dt ऑफ दिस, सो d/dt एक्सपोनेंशियल टर्म कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म इज लाइक दिस, e^x का डिफरेंशिएशन e^x होता है, और चूंकि t का हमको करना है तो यहाँ पे t का क्या हो जाएगा e/k, तो कांस्टेंट है e/k, और 1/t का कितना हो जाएगा दोस्तों -1/t² और ये +1 का 0, ये समझ पा रहे हम बेसिकली, जैसे e का पावर अगर 1/x है तो e का पावर 1/x का 1/x और फिर x का कितना हो जाएगा -1/x² अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, क्लियर, उसी तरह से यहाँ पे हमने क्या चुकी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में था। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ चुका है, यहाँ से ये कितना है दोस्तों, ये -1/t² है, तो ये -1/t² और ये e, आप देखिए यहाँ से ये e और ये e स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एन ई स्क्वायर, ये देखिए एन ई और एक ई, यहाँ पे ई स्क्वायर हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और नीचे में के टी स्क्वायर और ऊपर में ई का पावर ई बाई के टी और डिवाइडेड बाय नीचे में क्या दोस्तों ई का पावर ई बाई के टी +1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको चलिए और ढंग से थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ इसको और ढंग से लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सीवी इज इक्वल टू, यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर में भी एक k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एन k हो जाएगा और नीचे में
50 का पूरा कॉमन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए क्या किया यहाँ पे, एक के था तो हम एक के यहाँ भी कर दें, एक के यहाँ भी कर दें, यहाँ पे के स्क्वायर बन गया, समझ पा रहे ना। तो के टी का पूरा का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक के ऊपर में ऑलरेडी एक एग्जिस्ट कर गया क्योंकि जो पहले नहीं था, तो ये एन के बाई के टी स्क्वायर, और ये ई स्क्वायर ई टू द पावर ई बाई के टी, और ये डिवाइडेड बाय ई टू द पावर ई बाई के टी प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सी डी का ये करेक्ट एक्सप्रेशन होगा। देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म क्या है। यस दिस इज द फॉर्म, क्योंकि अगर फॉर्मेट में मान लीजिए टर्म को नीचे लगे डिवाइड किया हुआ तो हमें फिर डिवाइड करना पड़ता, लेकिन ऑप्शन में यही फॉर्मेट दिया हुआ था, तो ये आपका सीवी हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना आसान, बस डिफ्रेंसिएशन आपको थोड़ा सा आना चाहिए और बाकी यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस ऐसा है नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्टोमास का क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस तरह का क्वेश्चन हर बार चेंजेस में एक दो साल छोड़ के एक दो साल आते रहता है। सो नाउ लेट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है मुझे, तो शायद नहीं पूछा है। और यस जैम 2015 यानी कि आईआईटी गुवाहाटी का क्वेश्चन था दोस्तों। जैम 2015 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैम 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर से यहाँ पे टोटल हमारे पास एन टोटल पार्टिकल्स हैं, है ना, एन टोटल पार्टिकल्स हैं, और जहाँ पे एन क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन वन है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अलाउड है ना, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत लार्ज सिस्टम के लिए स्टेट मैक लगाया जाता है। Each पार्टिकल कैन हैव ओनली वन ऑफ द टू एनर्जीज E1 और E1 प्लस एप्सिलॉन। के पास दो ही अलाउड एनर्जी है, एक है E1 और दूसरा है E1 प्लस एप्सिलॉन, जहां पे एप्सिलॉन क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन जीरो है। देखिए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो का क्या फायदा है कि अगर एप्सिलॉन लेस देन जीरो होता मतलब ये जो टर्म है E1 प्लस एप्सिलॉन, ये भी लेस देन E1 होता, क्योंकि E1 में कुछ घट रहा होता है, क्योंकि E अगर नेगेटिव होगा तो E1 में और कुछ घट जाएगा। मान लीजिए E1 है 8 और एप्सिलॉन है -1, तो देयरफॉर E1 कितना हो गया, 8 हो गया, और E1 प्लस एप्सिलॉन कितना हो गया, यानी कि E1 -1 यानी कि 8 -1 इक्वल टू 7। तो आप देख सकते हैं कि ये E1 8 है और E1 प्लस एप्सिलॉन 7 है, यानी कि E1 जो है दोस्तों ग्रेटर देन है E1 प्लस एप्सिलॉन। तो अगर लेस देन जीरो होता उस केस में हमारा E1 क्या हो जाता, ग्रेटर देन होता E1 प्लस एप्सिलॉन। तो E1 प्लस एप्सिलॉन का जो एनर्जी लेवल है वो नीचे रहता है, क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर जाते हैं। एनर्जी लेवल कैसा होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, E1 यहाँ पे होता है, क्लियर है। लेकिन अभी चूंकि हमारा एप्सिलॉन क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है मतलब E1 पे कुछ भी जोड़ेंगे तो E1 से ज्यादा ही होगा, तो इसीलिए ये ज्यादा वाला एनर्जी लेवल ऊपर होगा फर्स्ट अभी का केस में, और E1 जो है वो नीचे होगा। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है ना कि ये लेस देन जीरो, हालांकि उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट के लिए क्लियर है। इफ द सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, इट एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल विद एनर्जी E1H। अब ये जो सिस्टम है ये टी टेम्परेचर पे कॉन्स्टेंट है, यानी कि इक्विलिब्रियम में, टी टेम्परेचर पे क्या है दोस्तों, इक्विलिब्रियम में। तो पूछ रहा है कि इफ द सिस्टम द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी E1, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे जो एनर्जी E1 के साथ होंगे, ठीक है, मतलब इस लेवल पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, ठीक है, इस लेवल पे कितने नंबर पार्टिकल होंगे, टोटल कितने पार्टिकल है, n पार्टिकल, मान लेते हैं n 50 है, तो हो सके यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 8 होगा, है ना। तो उसी को निकालना है कि यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट लेवल पे कितने एनर्जी, मतलब E1 एनर्जी लेवल पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे जो E1 एनर्जी को अपने अंदर कंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो N1 इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि फर्स्ट लेवल है तो N1 मान लेते हैं। देखिए दोस्तों N1 निकालने का क्या फॉर्मूला है, सिंस इसको किसके टर्म में निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल N के टर्म में निकालना है,
देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। एन वन निकालने का दोस्तों फॉर्मूला होता है एन वन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू मल्टीप्लाइड बाय एन वन, ठीक है। और एन वन एन टू कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं। एन वन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर ए टू द पावर माइनस ए बाई के टी, ठीक है। एन वन इन जनरल आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिंस वी नो दैट एन आई जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, चलिए ऐसे लिख लेते हैं एन आई जो होता है ए टू द पावर माइनस ए आई बाई के टी होता है, ठीक है। अगर एन आई इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए आई बाई के टी होता है क्योंकि ये क्लासिकल मैकेनिक्स का बात हो रहा है, यहाँ पे क्लासिकल स्टैटिक्स का बात हो रहा है, तो बोल्ट्जमैन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नंबर ऑफ पार्टिकल किस तरह से वेरी करता है एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस एआई बाय केटी। तो अगर हम एन वन का बात करें यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल का कितने फर्स्ट एनर्जी लेवल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे एन वन, तो एन वन इक्वल टू टू द पावर माइनस एआई मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कितने एनर्जी है ई वन एनर्जी है ना बाय केटी। देयर आल्सो एन टू कितना हो जाएगा सेकंड लेवल पे बात करें तो ई टू द पावर माइनस एनर्जी कितना है सेकंड लेवल का ई वन प्लस ई है ना ई वन प्लस ये है और डिवाइडेड बाय केटी, क्लियर है। तो इन दोनों टर्म को यहाँ पे ले आते हैं, देखिए यहाँ पे तो ये दोस्तों एन वन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एन वन इज इक्वल टू एन बाय एन वन प्लस एन टू इंटू एन वन, क्लियर है। अगर एन टू का फॉर्मूला लिखना होता तो आप कैसे लिखते हैं, देखिए ये भी लिख के याद रख लीजिए बहुत एग्जाम में काम आता है। एफ आर में क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे पूछ चुका है, हम सॉल्व करेंगे कुछ दिन बाद तब आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। एन वन प्लस एन टू और ये एन टू, चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये n हो गया, ये तो n है। n1 कितना है दोस्तों ए टू द पावर माइनस कैपिटल ई बाई के टी है ना, और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 यानी कि ए टू द पावर माइनस ई बाई के टी सॉरी e1 है ना e1 e1 बाई के टी प्लस ई टू द पावर माइनस ई वन बाई के टी और साथ में इन टू ए टू द पावर माइनस ई बाई के टी। आप यहाँ देख सकते हैं इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं ए टू द पावर माइनस कैपिटल ई वन बाई के टी एंड इन टू ए टू द पावर माइनस ए बाई के। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये माइनस ऑफ ई वन एंड माइनस ऑफ एप्सिलॉन है ना, माइनस ऑफ ई वन प्लस माइनस ऑफ एप्सिलॉन, तो ये ए टू द पावर माइनस ई वन बाई के टी ए टू द पावर माइनस एप्सिलॉन बाई के टी, ठीक है। ब्रेक करके इन टू प्रोडक्ट में लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये और ये तीनों टर्म यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से ऊपर और नीचे में ये दोनों टर्म में ये ई टू द पावर माइनस वन बाई के टी है, यहाँ भी ई टू द पावर माइनस वन बाई के टी है, तो ये खत्म हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा दोस्तों एन और नीचे में बचेगा यहाँ से वन बच गया प्लस यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। तो ये जो है ये हमारा क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल इन द फर्स्ट सिस्टम हैविंग एनर्जी ई वन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ई वन। तो ये देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है n बाई टू द पावर माइनस ई बाई के टी प्लस वन यानी कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्लियर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे बुक में इसका सॉल्यूशन बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में इसका सॉल्यूशन में एरर है, थोड़ा सा कई बार मिस प्रिंट हो जाता है एरर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ठीक से नहीं देख पाने के कारण भी, तो इसके लिए आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, ये हमारा सही आंसर है, क्लियर है। आप ऑफिशियल आंसर भी चेक कर सकते हैं, आई होप कि सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम 2015 में तो और क्वेश्चन नहीं पूछा है, और देखते हैं कि नेक्स्ट 14 में क्वेश्चन पूछा है क्या इससे, अगर हाँ तो फिर क्या पूछा है। यस जेम 2014 आईटी कानपुर एग्जाम लिया था, जेम 2014 में आईटी कानपुर एग्जाम लिया था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, इन वन डायमेंशन एन एंसेंबल ऑफ एन क्लासिकल पार्टिकल्स हैज एनर्जी ऑफ द फॉर्म, एनर्जी दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। द एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर टीज, तो अपने को एवरेज एनर्जी निकालना है, ई एवरेज है ना, या इसको ऐसे भी लिखते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है, ठीक है ना। टोटल सिस्टम का एवरेज एनर्जी क्या होगा ये निकालना है।
तो ये एनर्जी देख के आपको ऐसे ऐसे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्योंकि आपको एनर्जी देख के पता चल रहा होगा क्योंकि सिंपल हार्मोनिक वन डायमेंशनल है ना, ये भी ध्यान रहे कि वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, पी एक्स और एक्स से पता चल गया कि ये वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और इस वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपको क्या बताना है, टोटल एवरेज एनर्जी बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एक सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, एक सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर का अपन टोटल एनर्जी एवरेज एनर्जी निकाल लेंगे और उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल एवरेज एनर्जी ऑफ द एन पार्टिकल, यानी कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऐसे ऐसे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, अपन एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी निकाल लेंगे और फिर एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लियर है। तो चलिए आपको एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एंड देन टोटल एनर्जी जो भी है ई देन ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी, एंड ऑफकोर्स चूंकि यहाँ पे डी पी भी है और डी एक्स भी है वन डी में है, तो एंड डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी टू द पावर माइनस ई बाई के टी एंड डी पी एंड डी एक्स। आप ये सोच रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन एक्स है, इसका आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू हाँ ना ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी। तो एवरेज क्या लिखेंगे एक्स का, एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी, चूंकि अभी कंटिन्यूस सिस्टम है तो आप इंटीग्रेशन करेंगे एक्स का भी इंटीग्रेशन डी एक्स, और चूंकि ई में मोमेंटम भी है तो इसलिए डी पी डी एक्स और डी पी, क्योंकि जो टोटल एनर्जी ई है वो दोनों को फंक्शन है, आप देख सकते हैं ई मोमेंटम का भी है और एक्स पोजिशन का भी है, क्लियर है। सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एवरेज एनर्जी होगा। ये फॉर्मूला है, हम बहुत ज्यादा डिटेल पे इस पे नहीं जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। इसको जो आप सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, आप चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ये जो आप कैपिटल ई दिख रहा है उसकी जगह पे आप ये पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम देन प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर लिख के, और नीचे भी आप यहाँ पे भी ई की जगह पे लिख के फिर इंटीग्रेट को सेपरेट करके एक्स और पी एक्स पे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, गॉसियन इंटीग्रल आप लगा सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है इससे कुछ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई बीटा, एंड अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहा तो ये वन बाय टू बीटा बाई रूट अंडर पाई बाई बीटा एंड सो ऑन, इस तरह का फॉर्मूला है और यही दो फॉर्मूला यूज होगा, उस पर हम लोग जाएंगे नहीं। आपको सीधा आप एक ट्रिक बताते हैं जो इसमें हमेशा अप्लीकेबल होता है। अप्लीकेबल क्या होता है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन होता है कितना होता है, हाफ के टी, प्लस ये जो पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, हाफ के टी। यहाँ पे जो के है वो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ पे जो एक के है इसको चलो बी लगा देते हैं सबके, मतलब ये बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो हाफ केविटी कितना हो गया, केविटी हो गया। तो ये है हार्मोनिक ऑसिलेटर का, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का एवरेज एनर्जी, दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द वन हार्मोनिक ऑसिलेटर। देयरफॉर ई ऑफ एन, एवरेज एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कितना हो जाएगा, एन के बी टी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे जो ये एन है ये एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल है, क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो एग्जाम में अगर ऑप्शन में एन के बी टी भी है, उसके बाद अगर ऑप्शन में ऐसे भी है तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये मोड मतलब ये है ही नहीं, किसी एन में ऐसा एन एक भी नहीं है, सब सिंपल एन है, ठीक है, तब तो फिर ये हो जाएगा, तब वो ऐसा भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा एन मौजूद है तो फिर ये वाला सही होगा, क्लियर है, ये ध्यान रहे। क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग सारा एवरेज का बात करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि लार्ज सिस्टम में हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, एवरेज वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जी का वैल्यू निकालते हैं 9.8, तो हम लोग एक एवरेज को निकालते हैं एक्सपेरिमेंट करने पे जो रीडिंग बार बार आया उसको, ना कि हम लोग किसी एग्जैक्ट पर्टिकुलर वैल्यू के क्लास में रहते हैं, वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, इसलिए एरर पढ़ाया जाता है क्लास लेवल में आपको सबसे पहले। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, और ये हाफ के टी यानी कि टोटल केविटी। दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है जो आईजर में पूछा गया था इंटरव्यू में हमसे किसी पे बेस, कि अगर मान लीजिए कि ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है, इसका वही एनर्जी है ना, पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, और ये दूसरा हार्मोनिक ऑसिलेटर है, दोनों को अगर सीरीज में जोड़ दें तब कितना होगा, इसका भी मान लीजिए कुछ किसी है पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस सेम एनर्जी है ना, आइडेंटिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो दोस्तों आपको एक हार्मोनिक ऑसिलेटर का अगर सिर्फ उसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ के टी, पोटेंशियल भी है तो और हाफ के टी, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना बन गया,
एबीटी बन गया, यहाँ पे एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, मिस कंफ्यूज मत होइएगा। अब अगर और एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है आपके पास दो हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो क्या करेंगे आप, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना हो जाना चाहिए, टू केवीटी होना चाहिए, क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एन केवीटी, तो दो के लिए दो केवीटी, तो ये हमसे पूछा था, क्लियर। अब ध्यान रहे इसका, अगर ये हार्मोनिक ऑसिलेटर टी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम पे हो तब ये केस है, अदरवाइज नहीं है ना, तभी ये टी का टी क्या है, आप कंफ्यूज मत होना, हम बोलने भूल गए कि ये सिस्टम अगर टी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में हो तो, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट। ओके सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा जैम 2013 का है, और जैम 2013 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग देखते हैं। जैम 2013 में है ना, क्वेश्चन क्या था, लेट एनबी एन एफडी डिनोट द नंबर ऑफ वेज इन विच टू पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है टू, यानी कि ये हो गया एन आई। इन विच टू पार्टिकल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू एनर्जी स्टेट, दोस्तों एनर्जी स्टेट जी आई जो है वो कितना है, दो है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन बोस स्टैंडर्ड थर्मोडायनामिक स्टेट। ओके सो देखिए दोस्तों हो क्या है, कहा है कि क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ पार्टिकल दो है, उसको एनआई से रिप्रेजेंट करते हैं जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ वेज निकालना है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है, नंबर ऑफ पार्टिकल दो है उसको एनआई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एनर्जी लेवल ये क्या है, एनर्जी लेवल इंक्लूडिंग डीजेनरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इंक्लूडिंग डीजेनरेसी। मान लीजिए कहता कि आपके पास दो एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी ए1 है दूसरा एनर्जी ए2 है, और कहता है कि ये जो एनर्जी लेवल है फर्स्ट एनर्जी लेवल उसका डीजेनरेसी यानी जी1 2 है, और इसका डीजेनरेसी जी2 जो है 3 है, इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी लेवल आपको एक यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये फर्दर तीन एनर्जी लेवल दो एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो सकता है, और ये डीजेनरेसी इस ये जो सेकेंड लेवल है जिसका एनर्जी ए2 है इसका डीजेनरेसी 3 है, ये ट्रिपलेट डीजेनरेट है, इसका आने का मतलब है कि इस लेवल को हम लोग फर्दर तीन एनर्जी लेवल में स्प्लिट कर सकते हैं, नॉन डिजेनरेट कहने का मतलब है कि इसको फर्दर स्प्लिट नहीं कह सकता है। तो अभी चूंकि इस क्वेश्चन में डिजेनरेसी का ऐसा कोई केस यहाँ पे इन्होंने कहा नहीं है, तो हम अपने से डिजेनरेसी का केस नहीं लेंगे, यानी कि ये जो सिस्टम है इसको हम लोग नॉन डिजेनरेट मान के चलेंगे, क्लियर है, यानी कि 1 और 1 टोटल एनर्जी लेवल दो ही है, तो उसी को जी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इस केस में जी आई 2 हो गया, दिस इज एनर्जी लेवल इंक्लूडिंग डिजेनरेसी, अभी डिजेनरेसी है ही नहीं, ठीक है ना, तो इंक्लूड करके भी तो दो ही है क्योंकि नॉन डिजेनरेट, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन में कहा रहा था कि फर्स्ट एनर्जी लेवल डबली डिजेनरेट है, सेकंड एनर्जी लेवल ट्रिपली डिजेनरेट है, या फिर ऐसा कहता कि सेकंड एक भी नॉन डिजेनरेट है और ये डबली डिजेनरेट है, तो अगर ऐसा कहता कि ये डबली डिजेनरेट है और ये नॉन डिजेनरेट है, तो इसका और फर्दर दो में ही टूट जाता है, और ये 1 तो 1 ही रहेगा नॉन डिजेनरेट है, तो टोटल एनर्जी लेवल हो जाता है 1 2 3, तो इस केस में जी आई हम लोग कितना लिखते हैं, 3 ना कि 2, ये 2 तब नहीं लिखते तब 3 लिखते हैं, अगर ये कहता है कि ये डबली डिजेनरेट है और ये ट्रिपली डिजेनरेट है तो 3 2 5, तो इस केस में जी आई कितना हो जाता है 5। इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों, नहीं पूछा है अभी नॉन डिजेनरेट केस दिया है, तो उसके आने वाले भविष्य पे 2021 का आपका जो क्वेश्चन हो उसमें ऐसा कुछ डिजेनरेट का केस इन्वॉल्व हो, इसलिए हमने पहले कहा था कि ये हमारा क्या है, कंसेप्ट विद प्रॉब्लम्स, इस पे हम आपको कुछ ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी बताते रहेंगे जो अदर चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, लोग सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसके लेफ्ट राइट नहीं बताते हैं, हम आपको लेफ्ट राइट जो भी कंसेप्ट या उसके और भी जो क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन बनने के आपके 2021 में उसको मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर ऐसे सिर्फ 20 या 13 या 18 के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब नहीं है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके चांस बहुत कम होते हैं ना, लेकिन फिर भी 2% चांस है, लेकिन वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, 10 से 0 है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम होगा उस पर जितने भी तरह के क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ताकि 2021 में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की, लेफ्ट राइट से जो पूछेगा वो आपके कैच हो जाए या पकड़ा जाए, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया होगा, अभी हमारे पास सिर्फ दो ही एनर्जी लेवल है, तो जी आई कितना हो गया 2, एन आई हो गया 1। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ वेज इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन
बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक। इसको उन्होंने एन एम बी से रिप्रेजेंट किया है, इसको उन्होंने एन बोस आइंस्टीन और इसको उन्होंने एन फर्मी डिराक। और ये पूछा है आपसे कि कितना होगा, ठीक है। तो आपको चलिए आज मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसको आपको याद रखना है और आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला क्या दोस्तों, नंबर ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होता है, लेकिन ये ध्यान रहे कि डीजेनरेसी का केस में है ना, डीजेनरेसी या छोड़िए आपको डीजेनरेसी का मतलब नहीं यहाँ पे, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, है ना, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में नंबर ऑफ फेज निकालने बोले या नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रक्ट मतलब सेम है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी आई टू दी पावर एन आई, तो टू का पावर टू, अभी हमारा जी आई भी टू है एन आई भी टू है, तो ये चार हो गया। इसके बाद सेकेंड में नंबर ऑफ वेज इन द बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, तो बोस ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सबस्क्रिप्ट, ये बी मतलब बोस आइंस्टीन, तो इसमें फॉर्मूला होता है दोस्तों एन आई प्लस जी आई माइनस वन पूरा का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई Ni factorial by Gi minus 1 का factorial. Ni कितना है 2 plus Gi 2 minus 1 का factorial by Ni मतलब 2 का factorial और 2 minus 1 का factorial Gi 2 है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 4 4 में 1 गया तो 3 यानी कि ये 3 factorial हो गई, ये 2 factorial और ये 2 minus 1 यानी कि 1 factorial। दोस्तों इस 3 factorial का हम 3 into 2 factorial लिख सकते हैं, ये 2 factorial को रहने दीजिए और 1 factorial ये 1 हो गया, ठीक है। देखिए ये 2 factorial कट गया बचा 3। थर्ड में हमारा क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ वेज या माइक्रोस्टेट इन फर्मी डिराक स्टैटिक्स, तो फर्मी डिराक स्टैटिक्स में जो नंबर ऑफ वेज या माइक्रोस्टेट होता है दोस्तों वो होता है जी आई कम्बिनेशन एन आई। तो जी आई कम्बिनेशन एन आई को कैसे लिखते हैं हम लोग दोस्तों, आपको मालूम होगा जी आई फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल और एन आई फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब फर्स्ट का फैक्टोरियल नीचे में दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल और सेकंड का फैक्टोरियल नीचे, ठीक है। तो जी आई फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, जी आई माइनस एन आई यानी कि 2 माइनस 2 का फैक्टोरियल और ये एन आई मतलब 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल कट गया और ये 2 माइनस 2 1 बाय 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो 1 बाय 1 1। अब बहुत अच्छे 0 फैक्टोरियल 0 मत करके 1 बाय 0 1 बाय 0 इन्फिनिटी मत कर देना, ठीक है 1। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, बोस आइंस्टीन के केस में 3 आ चुका है और हमारा फर्मी डिराक में 1 आ चुका है। तो दीज आर द नंबर ऑफ वेज पॉसिबल इन डिफरेंट स्टेटिस्टिक के, दो पार्टिकल का दो एनर्जी लेवल में जो नॉन डिजेनरेट हो उसमें किस तरह से कितने वेज हैं, कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है जिससे हम अरेंज कर सकते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन केस में 4, फर्मी डिराक के केस में 1 और बोस आइंस्टीन केस में 3। ये फॉर्मूला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम माइंड में रख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह अप्लीकेबल है, ठीक है। और बहुत सारा इसके क्वेश्चन आते हैं, हम अभी से लेकर जेम्स लेकर जेस्ट तक में बहुत सारे इस प्रॉब्लम पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम आपको जितने भी जेम में फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उन्हीं को यूज करके जेस्ट में भी सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला को आप कॉपी में सारी चीजों को लिखते जाए और इन जो फॉर्मूला जितने भी यूज कर रहे हैं उसको एकदम बार बार रिविजन करते हैं और हम लोग जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन्हीं कंसेप्ट पे इन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। तो इन फॉर्मूला को एक सीट पे कलेक्ट करते चले, ठीक है, ताकि आप फाइनल एग्जाम के दिन इन फॉर्मूला को देख के जा सके और आपसे जो भी क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, टाइम बहुत ही कीमती है क्योंकि वक्त चला गया तो लौट के आने वाला है नहीं और आप लोग के पास अब ज्यादा समय भी है नहीं, है ना। समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर समय एक बार हाथ से चला गया तो दोबारा ये समय आने वाला नहीं है, क्योंकि समय एक ऐसा चीज है जिसकी अगर हम इज्जत या कद्र नहीं करते हैं तो वक्त भी हमारी इज्जत या कद्र नहीं करती है। अगर आप समय के साथ नहीं चलते हैं, आप समय का वैल्यू नहीं देते हैं, तो वैल्यू या इम्पोर्टेंट देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप समय को इज्जत नहीं दे रहे हैं तो आने वाला वक्त पे समय भी आपको इज्जत नहीं देगा, आपकी कोई कीमत नहीं होगी, आपको कोई जानेगा नहीं। और आईटी या आईजर में जाना दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कोई भी डिप्रेशन या टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हमारे साथ जुड़े, आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे या फिर वीडियो के बीच में हमारे नंबर आती है उस पे व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टूडेंट का बनाएंगे, उस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ, उस नंबर पे हमें टेक्स्ट कीजिए, हम आपको उस ग्रुप पे ज्वाइन करेंगे। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो मेरा नंबर भी है, आप उस पे व्हाट्सएप कीजिए, पर्सनली बात कीजिए, तैयारी मस्त चलेगा, दमदार चलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी और कन्फर्म सिलेक्शन होगा। जेएम नहीं, जेस्ट नहीं, नेट गेट सब में सिलेक्शन होगा। फिजिक्स बहुत ही आसान है, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको एक और
हमारे पास क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं इस टेस्ट मैक से, लास्ट 2015-13 का और एक क्वेश्चन है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 2012 से जो भी क्वेश्चन होगा उसके पीछे 2012-11 में उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक ब्लैक बॉडी है ना, शॉर्ट में लिख रहा है, एक ब्लैक बॉडी है जो टेम्परेचर टी पे मेंटेन है, इमिट्स रेडिएशन एट ए पीक वेवलेंथ लैम्डा, और ये जो रेडिएशन इमिट कर रहा है वो वेवलेंथ लैम्डा का, इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी बिकम्स 40, अगर इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों उसको हम लोग 40 कर दें तो द न्यू पीक वेवलेंथ इज, तो इस केस में जो हमारा नया वेवलेंथ होगा लैम्डा प्राइम वो क्या होगा। टेम्परेचर देखिए, आप क्वेश्चन समझिए, एक ब्लैक बॉडी है जो टी टेम्परेचर पे इनिशियली है और वो जो रेडिएशन इमिट कर रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, लैम्डा है। अब अगर इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टी से हम लोग कितना चेंज कर दें, 40 कर दें, तो नया वेवलेंथ, अब जो रेडिएशन इमिट करेगा उनका वेवलेंथ क्या होगा। उसको आपको विनस लॉ मालूम होगा, और नहीं है तो आप इसको रख लीजिए, इस पर भी खूब सारे नेट और केट में चेस्ट में एकदम क्वेश्चन आते हैं, जेएम में तो आता ही है कि लैम्डा मैक्स इनटू टी, या फिर जनरली इसको लैम्डा टी भी बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसका वैल्यू 2.01 × −3 मिली कैल्विन होता है। सो लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मतलब लैम्डा 1 T1 इक्वल टू लैम्डा 2 T2। दोस्तों लैम्डा टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है कि इन लोग का हर एक कंपोनेंट आपस में बराबर होगा, यानी कि लैम्डा 1 T1 मस्ट इक्वल टू लैम्डा 2 T2। तो यहां से देखें दोस्तों, लैम्डा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 T1 / T2। अभी आप देखिए क्वेश्चन में, इनिशियल टेम्परेचर T1 मान लेते हैं तो वो टी दिया हुआ है, फाइनल टेम्परेचर को T2 मान लेते हैं वो कितना हो रहा है, 40 हो रहा है, इनिशियल वेवलेंथ लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है इनिशियली लैम्डा, और फाइनली जो निकालना है उसको लैम्डा 2 मान लेते हैं, क्लियर। तो इस फॉर्मूला में देखिए लैम्डा 2 निकालना है, और बाकी लैम्डा 1 इनिशियली तो वेवलेंथ लैम्डा ही है, इनिशियल टेम्परेचर टी है, और फाइनल टेम्परेचर T2 कितना है, 40 है, टी कट गया तो कितना है दोस्तों, लैम्डा 4, यानी इनिशियल वेवलेंथ का 1/4 वेवलेंथ का अब ये रेडिएशन इमिट करेगा, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो वेवलेंथ है वो क्या हो चुका है, घट चुका है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे जो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होगा उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो ग्राफ पे हम दिखाना चाह रहे थे, आप देख भी सकते हैं कि ये लैम्डा है मान लीजिए, और ये टेम्परेचर टी है, ये मान लीजिए कर्व है और ये दूसरा कर्व है, तो आप देख सकते हैं कि इसका वेवलेंथ यहाँ है, इसका वेवलेंथ यहाँ है, यानी कि ये हमारा टी टेम्परेचर है और ये 40 टेम्परेचर है, जब लैम्डा यहाँ पे था यहाँ पे लैम्डा 4 हो गया, ठीक है। वेवलेंथ इस पॉइंट पे लैम्डा था, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि लैम्डा 4 हो गया, टू द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब टेम्परेचर टी टेम्परेचर का कर्व है और ये 40 टेम्परेचर का कर्व है, तो आप देख सकते हैं 40 टेम्परेचर पे ये रिड्यूस हो गया वेवलेंथ, ठीक है, इसका पिक जो इधर शिफ्ट हो गया, जब टेम्परेचर बढ़ाए उससे 40 टेम्परेचर पे जो कर्व हम ड्रॉ किए उसपे आप देख सकते हैं पिक वेवलेंथ का शिफ्ट हो गया, जबकि टी टेम्परेचर के केस में ये यहाँ पे था, अब वो शिफ्ट हो गया, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये नेक्स्ट कर्व आएगा मान लीजिए 5T का, तो उसका वेवलेंथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड विनस लॉ, तो लैम्डा और टी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। आशा करता हूँ तो ये आंसर हो गया लैम्डा 4 जो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोरोना से सुरक्षित रहें, अपने फैमिली को भी सुरक्षित रखें, और हमारे साथ जैम एकेडमी के साथ तैयारी करते रहें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।